आदरणीय भूपेश बघेल जी, हेमंत सोरेन जी, आरपीएन सिंह जी, डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, आलमगीर आलम जी, सुबोध कांत सहाय जी, उमंग सिंगार जी, मैनुल हाक जी, जेएमएम के, आरजेडी के तमाम नेतागण, पार्टी के कार्यकर्ता, मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी देर से मेरा इंतजार कर रहे हैं। हजारों आदिवासियों और झारखंडियों के संघर्ष और कुर्बानी से बना है आपका प्रदेश। ये प्रदेश आपकी पहचान है। ये जमीन, जंगल, जल आपको मुफ्त में नहीं मिले, आपने इसकी लड़ाई लड़ी। सालों से, सदियों से आप इस लड़ाई को लड़ते चले आ रहे हैं। ये नदियां, ये झरने, ये तालाब आपके हैं। ये जमीन आपकी है, इसके असली दावेदार आप हैं। हमेशा आप शांतिपूर्वक रहते हैं, लेकिन जब बात अपनी मिट्टी और अपनी मां की हो तो आप कभी चुप नहीं रहे हैं। ये आपको महान योद्धा सिद्धू और कान्हू ने सिखाया, उनको मेरा नमन। और आज उनकी इस पावन धरती पे खड़े हुए मैं आप सबको कहना चाहती हूं कि ये चुनाव आपकी मिट्टी और आपकी मां का चुनाव है। ये चुनाव झारखंड के अस्तित्व का चुनाव है, आपकी आत्मा का चुनाव है। जब से भाजपा की सरकार आपके प्रदेश में आई, तब से आपकी आत्मा पर हमला किया गया है, आदिवासियों पर हमला किया गया है। जंगल के हजारों रंग होते हैं, लेकिन भाजपा की विचारधारा इन हजारों रंग के प्रति अंधी है। इन्हें हजारों रंग नहीं दिखते, ये कुछ और चाहते हैं। आपकी आदिवासी संस्कृति पर वार करते हैं। जो कानून आपकी संस्कृति को बचाने के लिए बनाए गए, जिन कानूनों के लिए आपके लोग शहीद हुए, जिनके लिए सिद्धू कानू लड़े, उन कानूनों को तोड़ने के लिए, उन कानूनों को हटाने के लिए भाजपा ने पूरी कोशिश की। संथला परगना टेनेंसी एक्ट, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, जिनसे आपकी जमीन और जंगल की रक्षा होती थी, उन्हें हटाने की कोशिश की इन्होंने। अगर आपने आवाज नहीं उठाई होती, अगर आप आगे नहीं बढ़ते, तो आज वह कानून हटा के रहते। ये संघर्ष आपका रहा, इसी संघर्ष में, आपकी जमीन जंगल के संघर्ष में इंदिरा गांधी जी हमेशा आपके साथ रही। उन्होंने आजीवन काम किया कि जल, जंगल, जमीन आपके लिए बचे रहें, उन पर आपका अधिकार बना रहे। लेकिन भाजपा की सरकार आज भी आपकी जमीन छीन के अमीरों के लिए, अपने दोस्तों के लिए लैंड बैंक बना रही है। जब आप पर अत्याचार होता है तो कुछ नहीं कहते। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में आपके आदिवासी भाई बहन रहते हैं, वहां पे निर्मम हत्या की गई, बहुत लोगों को मारा गया इसी तरह से जमीन लेने के प्रयास में। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार एक लफ्ज नहीं बोली, कोई आगे नहीं बढ़ा। जब मैं जाना चाहिए उनसे मिलने के लिए, मुझे रोका, मुझे 24 घंटों के लिए एक किले में बंद कर दिया, लेकिन मैं पीछे नहीं हटी। जब तक मैं उन परिवारों, उन पीड़ितों से मिली नहीं, तब तक मैं पीछे नहीं हटी। ये मैंने इंदिरा गांधी जी से सीखा।
आपके लिए संघर्ष करना कांग्रेस की आत्मा में है, कांग्रेस के कण कण में है। आपकी संस्कृति को बचाए रखना कांग्रेस के कण कण में है। झारखंड में लगभग देश का आधा कोयला, लोहा, अभ्रक, एल्यूमिनियम और तरह तरह के खनिज पदार्थ हैं, लेकिन आज भी यहाँ गरीबी फैली हुई है। भूख से छोटी छोटी बच्चियां मर रही हैं, मरते दम तक भात भात कहते हुए दम तोड़ रही हैं, और भाजपा सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर रही है। इनकी मौत पर भी उनको भी झुठलाना चाह रही है। सच्चाई ये है कि उन्होंने 12 लाख गरीब परिवारों का राशन कार्ड रद्द किया है। कांग्रेस सरकार में आपको 35 किलो राशन मिलता था, आज आपको 5 किलो मिल रहा है। भाजपा सरकार प्रचार में सुपर हीरो है, काम में सुपर जीरो है। इनकी भ्रष्ट और नाकाम सरकार से मैं पूछना चाहती हूं, 5 साल में इन्होंने युवा को रोजगार दिया? 5 साल में युवाओं का पलायन रोका? 5 साल में कोई उद्योग लगवाया? 5 साल में कितने कॉलेज खोले? 5 साल में कितनी गरीबी मिटाई? 5 साल में महिलाओं की सुरक्षा की कि नहीं की? 5 साल में पैरा शिक्षकों को सम्मान दिया कि नहीं दिया? आशा आंगनबाड़ी को सम्मान दिया कि नहीं दिया? 5 साल की कैसी सरकार है? जमीन लूटने की सरकार है, अमीरों के जेब भरने की सरकार है। इनके राज में झारखंड के किसान को क्या मिला? क्या फसल का दुगना दाम मिला? क्या आपको कर्ज माफ हुआ? क्या डीएपी खाद सस्ती हुई? क्या गैस सिलेंडर सस्ता हुआ? क्या डीजल सस्ता हुआ? क्या आपके बच्चों को रोजगार मिला? सरकारी बैंक ने अमीरों को 5.5 लाख करोड़ माफ किए, आपके कर्ज माफ नहीं हुए। 15,000 किसानों ने आत्महत्या की, सरकार ने कुछ नहीं किया। तो किस बात की 5 साल की स्थिर सरकार है ये? किस बात की सरकार है अगर किसान की मदद नहीं कर पाती? झारखंड में किसानों को धान 1200-1300 में मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, 2500 रुपए में मिल रहा है। उधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण दिया, यहाँ की सरकार ने कितना दिया? पूछिए इनसे। यहाँ के क्रशर बंद हुए, कोयला खदान बंद हुए, बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया। आज पाखुड़ में प्याज कितने का मिलता है? 150 में मिल रहा है प्याज। सोच लीजिए, पेट्रोल, डीजल, दाल, आटा, फोन का डाटा सब महंगा हो गया है। इनके शासन में इन्होंने एक भी चीज नहीं छोड़ी। इनका फॉर्मूला ये है कि गरीबों से पैसा छीनो और अमीरों को पैसा दे दो। मनरेगा का कार्य बंद किया इन्होंने, मंदी से आपके कारखाने बंद हुए, काम धंधा खत्म हुआ, मजदूरी कम हुई, आपकी आमदनी कम हुई। बच्चों के 4000 पाठशाला बंद किए, कर्मचारियों पर हमला किया, जितने भी पैरा कर्मचारी हैं सबको नकारा गया। जब उन्होंने आंदोलन किया उनको मारा गया, पीटा गया। आंगनबाड़ियों को भी ऐसा ही किया। राष्ट्र स्तर पर इन्होंने तमाम सरकारी कंपनियां बंद की और जो बंद बेच डाली, और जो अभी तक बेची नहीं है उनको भी बेचने की इनकी पूरी योजना है। रेलवे बेचना चाहते हैं, एयरपोर्ट बेचना चाहते हैं। आज देश की ये स्थिति है कि देश के कोने कोने में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के ही विधायक ने एक महिला का बलात्कार किया।
इनकी सरकार कुछ नहीं बोली, बल्कि उस विधायक की इन्होंने पूरी रक्षा की। जब तक जनता से आवाज नहीं उठी कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, तब तक ये रुके नहीं, रक्षा करते रहे। यहाँ हाल ही झारखंड में एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर यही आरोप लगे हैं, और मोदी जी उनके मंच पर खड़े होकर उनके पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। झारखंड की लड़कियां, अपनी आंखों से देखो, आज ये देश की सच्चाई है, ये झारखंड की सच्चाई है। मगर मोदी जी इस पर नहीं बोलते, क्योंकि मोदी जी इस देश की सच्चाइयों पे नहीं बोलते। जब बोलते हैं तो बहानेबाजी करते हैं, जैसे फेल होने वाला बच्चा पाठशाला में बहाने मारता है, उसी तरह से मोदी जी भी बहाने मारते हैं। मोदी सरकार रोजगार दिलवाने में फेल हुई, बहाना कांग्रेस पार्टी। अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में फेल हुई, बोलिए फेल हुई, बहाना कांग्रेस पार्टी। किसान को सक्षम बनाने में फेल हुई, बहाना कांग्रेस पार्टी। छात्रों की आवाज सुनने में सरकार फेल हुई, बहाना कांग्रेस पार्टी। महिलाओं को सुरक्षित रखने में सरकार फेल हुई, बहाना कांग्रेस पार्टी। महंगाई को रोकने में ये सरकार फेल हुई, बहाना कांग्रेस पार्टी। छोटे दुकानदारों की रक्षा में फेल, सबको भोजन सबको पानी देने में फेल, और वही बहाने बार बार दोहराए गए। सच्चाई ये है कि उन्होंने आपको 5 सालों में कुछ नहीं दिया। सच्चाई ये है कि जिम्मेदारी सिर्फ भाजपा सिर्फ सरकार की है और प्रधानमंत्री की है। ये जिम्मेदारी ये आप अपने आप लें। इन्होंने आपको सिर्फ खोखले भाषण और झूठ परोस के दिए हैं, और हर तरह से ये फेल प्रधानमंत्री सिर्फ फूट डालना चाहते हैं। जब अर्थव्यवस्था की बात की चर्चा हुई कि अर्थव्यवस्था एकदम दुर्बल हो गई है, ठप हो रही है, तब फिर से इन्होंने बांटने का काम शुरू किया, नए नए कानून लाए। असम में 1600 करोड़ रुपए लगाकर, 1600 करोड़ रुपए लगाकर इन्होंने एनआरसी कराया। पता चला लाखों भारतीय उस एनआरसी की लिस्ट में नहीं है। एनआरसी आसाम से फेल हो गया। इन्होंने फिर सीएए निकाला, नागरिक कानून निकाला। आसाम के लोग सड़कों पर उतरे, उन पे गोलियां बरसाई गईं। आसाम जल रहा है। दिल्ली में छात्रों ने आवाज उठाई तो पुलिस ने लाठी गोली मारी, लड़कियों के साथ बदसलूकी की। पूरे देश में छात्र आज सड़क पे आ चुका है, लेकिन फेल प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब नहीं है। तो खोखली चुनौती देने के लिए यहां आपके प्रदेश में वो मंच पर खड़े हुए और खोखली चुनौती दी उन्होंने। यहीं से आपके प्रदेश में खड़े होकर मैं झारखंड की जनता के तरफ से, आपकी तरफ से प्रधानमंत्री को चुनौती देना चाहती हूं। मोदी जी, संथाल परगना कानून के बारे में बोलिए, झारखंड में भूख से मौतों पर बोलिए, झारखंड में बेरोजगारी पर बोलिए, महिलाओं के बलात्कार पर बोलिए, चौपट व्यापार पर बोलिए, भ्रष्टाचार पर बोलिए, गायब रोजगार पर बोलिए। आप किसके प्रधानमंत्री हैं? आप जोड़ के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, या आप तोड़ के प्रधानमंत्री हैं? इस पर बोलिए। इस देश के प्रधानमंत्री हैं कि बंटवारे के प्रधानमंत्री हैं? इस पर बोलिए। इस सवाल का आपके पास जवाब नहीं है। आप सब यहां मौजूद हैं। जब मैं आई तो आप यहां से कुर्सियां हटा रहे थे क्योंकि जगह नहीं थी।
जिस तरह आप मैदान से कुर्सियां हटा रहे हैं, उस तरह आप इनकी सरकार को कुर्सी से हटाइए। क्या दिया है इस सरकार ने आपको? एक ऐसी सरकार बनाइए जो आपके हित में काम करे, जो आपके पक्ष में काम करे, जो आपको रोजगार दे, जो छात्रों की बात सुने, जो महिलाओं को सुरक्षित रखे, जो किसानों के कर्ज माफ करे, जो आपके छोटे छोटे उद्योगों को मजबूत बनाए, जो आपके अधिकारों को, आपकी संस्कृति को मजबूत रखे, उनकी सुरक्षा करे। मैं आज आप सब से कहना चाहती हूँ, चुनाव का आखिरी दिन है, जहां जहां झारखंड में आप वोट डालने जा रहे हैं, सोच समझ के अपना वोट दीजिए, हमारे गठबंधन को जिताइए, क्योंकि हमारे हित में आप हैं, हम आपके लिए काम करेंगे, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।